बेटे बहू और पोत्रों पर गंभीर आरोप, प्रॉपर्टी विवाद भी बन सकता है मौत का कारण, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कलयुग में रिश्ते तार तार करने का एक मामला सामने आ रहा है। बेटे बहू और पोत्रों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। मृतिका की पुत्रियों ने मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार सीकर के मंडा गांव में बुजुर्ग महिला बसंती के मौत के मामले में मृतिका की पुत्रियों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में सगे भाई, भतीजों और भाभी के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में भाई राकेश झाझड़िया, भाभी राधा देवी, भतीजे प्रदीप नरेंद्र व उसकी पत्नी सुमन के नाम मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आरोप ये भी है कि हत्या कर शव को जलाया गया। ये बात भी सामने आ रही है कि प्रॉपर्टी को लेकर पिछले दिनों से विवाद चल रहा था। इस पूरे मामले में खाटू श्याम जी SHO रिया चौधरी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बसंती देवी की पुत्री हैं शारदा और विमलेश, दोनों ने जो नवलगढ़ गई हुई है, दोनों ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरी माताजी बसंती वाइफ ऑफ रिछवाल सिंह अपने पुत्र राकेश के साथ रहती थी गांव मंडा में। जो मेरा भाई राकेश है उनको मेरी माताजी को परेशान करता था और आज उनको राकेश और राकेश के परिवारजनों ने मिलकर और मेरी माता की हत्या कर दी। आधी रिपोर्ट पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके का FSL टीम द्वारा निरीक्षण करवाया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल रखाया गया था। जैसे इसी रिपोर्ट पे अग्रिम अनुसंधान आगे किया जाएगा। पहले भी कोई मामला होता? हाँ, 7-8 दिन पहले इनका आपस में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला आया था, आपस में बहन भाई के बंटवारे की जमीन को लेकर, जिसमें आपस में इनका दोनों का राजीनामा हो गया था समाज में। धन्यवाद।